तो अरे भाई लोग, क्या हाल चाल है? होपफुली सब बढ़िया होगा। आप देखो फिलहाल के लिए ना, मेरा क्राउन वन हो चुका है। बाकी आप लोग का रैंक एंड टीयर क्या चल रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आज अपन इस लगाने का ट्राई करेंगे, अगर इस लग गया तो बहुत सही हो जाएगा। बाकी गेम प्ले की बात करने से पहले ना, अपन अपने आरपी के विनर को आरपी दे देते सबसे पहले। वैसे तो ये बंदे को मैं यूसी कल ही भेज दिया था, लेकिन यार कल वाली वीडियो में मैं ये वाला पार्ट ऐड करना भूल गया था। लेकिन कोई नहीं, आज वाली वीडियो में ऐड कर देते ये वाले बंदे का आईडी कॉपी करके यार पेस्ट वेस्ट कर देते, एंड उसके बाद इसको यूसी भेज देते। एंड अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो चेक कर लेना एंड आरपी भी ले लेना। बाकी देखो, जिन जिन बंदों को आरपी नहीं मिला ना अभी तक, उन लोग के लिए ना 5 आरपी का गिव अवे ना अभी 4 से 5 दिन में अनाउंसमेंट में कर दूंगा। सो जिन लोगों ने ना फर्स्ट टाइम में मतलब जीत नहीं पाए ना, उन लोग को सेकंड टाइम में मौका मिलेगा। सो रेडी रहना उसके लिए। बाकी देखो, अभी बढ़ते हैं अपन अपने गेम प्ले की तरफ। तो देखो, ये गेम की बात करें ना, सीन क्या था, अभी मैं जस्ट ऊपर की साइड से टीडीएम खेल के आया था, और यार ये वाला जो रहता है ना टेम्पल जैसा, इसको मैं लूट रहा था। एंड इसको लूट के जैसे यहाँ से निकलता हूँ ना, तो कहीं से मेरे पे स्प्रे रहता है। अभी बंदे के पास सप्रेस गन थी, सो मेरे को पता नहीं चला कि बंदा एग्जैक्ट कहाँ से मार रहा है। तो सबसे पहले तो यार मैं चारों तरफ देखता हूँ, एंड एट द एंड बंदा जो है ना वो इधर मेरे को सामने की साइड दिख जाता है। अब बंदा जो था ना वो इधर ओपन में भागे जा रहा था, तो मैं इसको होम से मारने का ट्राई करता हूँ। पहला जो शॉट था ना वो मिस हो जाता है, एंड उसके बाद बंदा जो था ना पेड़ के कवर में चला जाता है। यहाँ पे एक बॉडी मारता हूँ, लेकिन बंदा जो था ना उसके बाद हील वील करके वहाँ पे बैठ जाता है। और अभी इधर बंदा जो था ना एक गलती कर बैठता है। अब यार ये वाले बंदे को पता था कि मेरे पास ऑम है, लेकिन फिर भी बंदा जो था ना वो इधर पीक पे पीक देखे दे जा रहा था। सो आराम से ये वाले बंदे को निपटाते, एंड उसके बाद इसको लूट के यहाँ से निकल लेते अपन। अब यार यहाँ पे क्या सीन था, मैं जब ब्रिज कैम करने आया था, सामने वाला जो वॉच टावर था ना वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा बैठा हुआ था। तो मैं सोचा कि ये वाले बंदे को ऐसे तो नहीं निपटा सकते, सो मैं आ जाता हूँ ये वाले घरों पे। अभी यहाँ पे आके थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करता हूँ, लेकिन बंदा जो था ना वो काफ़ी देर तक मेरे को पीक नहीं देता। और अभी इधर यार जोन भी मेरे पीछे शिफ्ट हो चुका था, सो मैं सोचा कि ये वाले बंदे का ज़्यादा देर तक यहाँ पर वेट नहीं करेंगे, सीधा यहाँ से जोन की तरफ निकल लेता हूँ मैं। अभी यार ये वाली लॉबी में ना शायद से कोई भी हैकर नहीं था, इसीलिए यार अभी तक 19 बंदे अलाइव है। नहीं तो यार पहले जोन में 19 बंदे अलाइव रहते। सो अभी तक इतना तो मेरे को पता था कि लॉबी अच्छी है, मेरे को इसमें चिकन के लिए खेलना चाहिए। ऊपर की साइड अभी के लिए एक बंदा था, एंड बंदा जो था ना वो इधर बालकनी में चला गया था। तो मैं सोचा कि इस पर एक बार नेट भरने का ट्राई करता हूँ मैं। अब जैसे मैं यहाँ से नेट फेंकता हूँ ना, बंदा जो था वो इधर नीचे की साइड कूद जाता है। सो अभी के लिए मैं सीधा ऊपर की साइड चढ़ जाता हूँ, एंड बाजू वाले घर में भी एक बंदा था जो कि नेट पे नेट भरे जा रहा था। सो अभी ये वाले बंदे को किस तरह से खेल करने वाले हैं ना अपन, वो देखना। और यार मैं इधर एकदम ही लेजेंडरी वाला नेड फेंकने जा रहा था, अगर एक सेकंड और लेट हो जाता तो नेड मेरे मुंह पे आके फट जाता और मेरा गेम यहीं ख़त्म हो जाता। अभी ये वाले बंदे को मैं मारा ही था कि बाजू वाला बंदा जो था ना वो इधर थर्ड पार्टी करने आ जाते, लेकिन उसको पता चल जाता है कि अभी अगर थर्ड पार्टी करूँगा तो मेरा ही गेम खत्म हो जाएगा, इसलिए बंदा जो था वो वापस से पीछे की साइड चला जाता है। उसके बाद जैसे मैं ऊपर की साइड चढ़ता ना, तो मेरे को सामने की साइड से ओपन में एक बंदा आता हुआ दिखता है।
लेकिन यार जैसे स्पेस कर लिया था यार बंदा जो था वो इधर जंप करने लगता है, और मैं समझ गया था कि यार बंदा जो था वो इधर मीटअप करने आ रहा है, तो मैं इसको मार भी नहीं सकता था। और ये ही मैंने बहुत ज्यादा मीटअप वाले बंदे आ रखे थे। फिलहाल के लिए ऑल माइक करके मैं ये बंदे को बोल देता हूँ कि यार ऊपर की साइड फिलहाल के लिए मत आना, क्योंकि फिर कोई बंदा टीम अप समझेगा। इससे अच्छा यार फिलहाल के लिए नीचे ही बैठो, जब जब जोन यहाँ से शिफ्ट होगा ना उसके बाद अपन मतलब लास्ट में अगर बच गए तो बात बात करेंगे। बाकी ये अभी ये वाले गेम में ना बहुत मीटअप वाले बंदे आ रखे थे। अब यार जोन स्टार्ट होने में ना बस इधर 20 सेकंड ही बाकी थे। मैं ये बंदे को काफ़ी देर से होल पे बात कर रहा था, लेकिन बंदे के माइक से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो शायद से इसका ग्लिच हो रखा होगा या फिर मेरा हो रखा होगा। लेकिन अभी इधर बंदा तो यार उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे को, ना ही मेरी आवाज़ उसको जा रही थी। सो अभी इधर मैं सोचा कि चलो अभी के लिए मैं जोन के अंदर निकल लेता हूँ। अब यार फिलहाल के लिए अपने को जोन के अंदर एक अच्छी खासी पोजीशन मिल चुकी थी होल्ड करने के लिए, लेकिन अभी इधर मेरे को नीचे की साइड से पड़ने लगती है और मेरी गाड़ी भी इधर डैमेज हो जाती है। तो यार सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी फोड़ देता हूँ, ताकि अगर कोई बंदा मेरी गाड़ी फोड़ने का ट्राई करे तो अपने को कुछ दिक्कत ना हो। लेकिन यार अभी इधर अच्छी बात ये थी कि अगला जो जोन था ना वो अपने बहुत नज़दीक था, सो अपने को जोन में जाने में तो दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी देर अपन यहाँ पे होल्ड लगाए थे और अभी जैसे मेरे को लगा कि चलो अभी इधर मेरे को जोन के अंदर निकल लेना चाहिए, तो अपन यहाँ से सीधा जोन की तरफ निकल जाते हैं। और जोन के अंदर पहुँचने के बाद एकदम ही ओपी वाला कवर फिलहाल यहाँ पे अपन लगा देते। अपने पास शील्ड्स की कमी थी नहीं और पॉइंट्स की भी कमी नहीं थी, अगर शील्ड्स कम पड़ जाते तो यार पॉइंट से शील्ड्स मंगा लेते। अभी के लिए यार जोन इधर क्लोज इन हो रहा था, नीचे की साइड में कोई बग्गी वाला बंदा दिख जाता है तो आराम से उसको किल कर देते। और अभी के लिए इधर बस जोन के अंदर टोटल 3 बंदे बचे थे, एक बंदा सामने की साइड था, एक बंदा इधर नीचे की साइड था और एक तो मैं ही था। और जोन जो था ना वो इधर नीचे की साइड शिफ्ट हो चुका था, सो मैं सोचा कि चलो जितना जल्दी हो सके ना जोन के अंदर निकल लेना चाहिए मेरे को। अब यार जोन में तो आराम से पहुंच चुके थे, नीचे की साइड एक बंदा था, तो यार उससे बचने के लिए ना हमें कोई कवर चाहिए था। तो सबसे पहले तो यार मैं सामने की साइड शील्ड्स लगा देता हूँ, और बंदा जो था ना वो भी इधर मेरे पे नेट्स पे नेट्स भरे जा रहा था, और मेरे को पता था कि मेरे को ऊपर की साइड से भी बचना है। सो अभी यहाँ पे किस तरह से ये सिचुएशन अपन सर्वाइव करते वो देखना। और अभी इधर ऊपर की साइड जो बंदा था ना वो भी इधर जोन के अंदर आ चुका था, मैं इधर दोनों साइड से गिर चुका था। सामने की साइड जो बंदा था ना मैं सोचा कि उस पर नेट से इसको भर दूँ, लेकिन जैसे इधर नेट का पिन खींचता वो बंदा जो था वो इधर जंप करने लगता है। सो अभी मैं समझ गया था कि यार चलो नीचे वाला बंदा तो यार मीटअप वाला है, एक बंदा तो जो पहले मीटअप वाला था ना वो मर चुका था, और अभी इधर ये सामने वाला बचा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ना जो ऊपर की साइड वाला बंदा था ना वो भी यार जंप करने लगता है। लेकिन अभी इधर थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा था कि यार कुछ स्कैम ना हो जाए, इसीलिए मैं जितना मतलब जल्दी मानता हूँ नहीं, लेकिन एट द एंड यार मैं सोचा कि चलो अभी थोड़ा बहुत बात बात कर ही लेते हैं। अब यार थोड़ी देर ये बंदों के साथ बात करते हैं, एंड उसके बाद हमने डिसाइड किया कि पहले ये दोनों बंदे फाइट करेंगे, जो भी बचेगा उसके साथ मैं पैन फाइट करूंगा। सो अभी के लिए ये पैन फाइट एंजॉय करो।
अब यार ये दोनों बंदे में से एक बंदा बच चुका था, तो अभी इसके साथ अपन पैन फाइट करेंगे। अब देखो गैस करो कि कौन जीतेगा इसमें। और यार एट द एंड ये वाली पैन फाइट अपन ही निकाल लेते, एंड ये गेम में अपने को 23 का प्लस मिल जाता है। सो बस ये थे आज का गेम प्ले। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना, एंड अगर वीडियो को ज़्यादा पसंद आया तो दोस्तों का शेयर कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस।